very warm welcome in my class. Today we will study about the chapter The Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare. The Merchant of Venice, इस chapter के बारे में मैं आपको बताने से पहले बताऊंगी कि this is a comedy play, जो कि मैं आपको play के बीच में explain करूंगी कि why it is a comedy play. और मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट का यहाँ मीनिंग है सौदागर. वेनिस मीन्स मर्चेंट ऑफ वेनिस मीन्स हो गया पूरा कि वेनिस का सौदागर. तो इस कहानी को मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाना चाहूँगी. पहले जो कि कहानी है उसको आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. ये जो कहानी है मर्चेंट ऑफ वेनिस मीन्स वेनिस का सौदागर, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है. और इस कहानी के अंदर जो कॉमेडी प्ले है जो मैंने आपको बताया है, इसमें दो जगह पर ये कहानी जो है चलती है. पहली जगह है वेनिस, वेनिस जहाँ पर एंटोनियो बेसिलो ये दो फ्रेंड्स रहते हैं. और एक करेक्टर और है शाइलॉक, जिसकी बेटी है जेसिका और जो बहुत शातिर है. दूसरी जगह है बेलमोंट, बेलमोंट राज्य जहाँ की राजकुमारी है पोर्शिया और उसकी जो मेड है वो है नेरिसा. और इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे ग्रेटियानो जो कि एंटोनियो और बेसिनो के फ्रेंड हैं, और एक और है लेरेंजो जो कि एंटोनियो और बेसिनो का फ्रेंड है, बट वो जो है वो लवर है जेसिका का जो कि शाइलॉक की बेटी है. इसमें एक और कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस जो कि वेनिस का नवाब है. इसमें एक जो स्वयंवर भी होता है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो उसमें जो आते हैं एक है प्रिंस ऑफ अरागनो और दूसरा है प्रिंस ऑफ मोरक्को जो कि पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी प्ले. ये जो प्ले है वो स्टार्ट होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जो है बहुत ही ज़्यादा समृद्धिशाली जो एक देश है वहाँ पर शुरू होता है. तो इसमें एंटोनियो है जो कि एक सौदागर है और शाइलॉक, ये दोनों आपस में बहुत ही बहुत ज़्यादा कट्टर वाले दुश्मन थे. और एंटोनियो जो कि बेसिनो का फ्रेंड है. तो बेसिनो जो है वो वेनिस जाना चाहता था, वहाँ पर जो वो शादी करना चाहता था पोर्शिया से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. तो वो उससे शादी करने के लिए पैसे जो चाहता था उसके लिए वो एंटोनियो के पास गया. तो एंटोनियो ने उसके पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे. और उसने अपने मित्र को ये नहीं जताया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा. वो अपने मित्र को जो कि उसका नाम था बेसिनो, उसको लेकर गया किसके पास, शाइलॉक के पास. शाइलॉक कौन था, एक सौदागर. वो शाइलॉक के पास उसे लेकर गया और उसको अपने जिम्मे पर उसने उसे पैसे दिलवाए और उसने उसे 3000 ducats जो है अपने जो दुश्मन है शाइलॉक उसे दिलवा है. और शाइलॉक भी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो एंटोनी से बदला लेना चाहता था. फिर उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ. और शाइलॉक जो था वो इंटरेस्ट पे पैसे देता था, तो उसने 3000 ducats उसको देने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन एक शर्त पे कि वो पैसे तो देगा लेकिन उसके बदले वो उससे पैसे नहीं लेगा. उसके बदले वो उससे क्या लेना चाहता था, क्योंकि वो उसका दुश्मन था, तो वो चाहता था कि इसके बदले वो उसका 1 pound जो है उसके शरीर का मांस उससे ले ले. और इसके लिए उसने एक ऐसा, किसने, शाइलॉक ने एक ऐसा अग्रीमेंट बनाया कि इस पैसे के बदले मैं तुमसे जब भी वापस लूँगा तो तुम्हारे बॉडी का 1 pound फ्लैश इससे ले लूँगा. तो जो शाइलॉक है उसने बहुत ही चतुराई से जो एंटोनिया उसके सिग्नेचर उस पर ले लिए और एंटोनिया ने अपने फ्रेंड के लिए उसका साइन भी कर दिए. अब आता है दूसरा सीन बेलमोंट का, जहाँ पे पोर्शिया के स्वयंवर विवाह रचा जा रहा था और वहाँ पर 3 box जो है रखे गए थे, जो कि पोर्शिया के फादर की अपने मरने से पहले विल थी कि मेरी बेटी की शादी में जो ये जो भी व्यक्ति इन 3 box में से वो बॉक्स चुनेगा जिसमें मेरी बेटी का चित्र है तो मैं उससे शादी करा दूंगा. और पोर्शिया इतनी आज्ञाकारी थी कि अपने पिता के मरने के बाद भी उसने वो प्रथा चलाई. और ये 3 box में जो 1 box था, एक था गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का और तीसरा लेड का.
तो इसमें कई सारे राजकुमार आए, सबने स्वयंवर में भाग लिया। तो एक था प्रिंस ऑफ एरेगनो जिसने गोल्ड का बॉक्स चुना और उसमें एक सिर का कंकाल निकला। दूसरा प्रिंस ऑफ मैराको जिसने कि सिल्वर का बॉक्स चुना और उसमें एक हंसते हुए व्यक्ति का चेहरा का चित्र निकला। तीसरा बॉक्स था लेड का जो कि शीशे का था, वो बेसिनो ने चुना और उसमें पोर्शिया की तस्वीर थी जिसके कारण पोर्शिया ने उसको पसंद किया और उससे विवाह किया। अब बेलमोंट में उस नगर में सब लोग बहुत खुश थे, सब खुशियां मना रहे थे, परंतु एकदम से वहाँ पे क्लाइमेक्स आता है कि वहाँ पर जो बेसिनो है उसके पास एक पत्र आता है और उसमें उससे जो है पत्र में लिखा होता है उसके मित्र का एंटोनियो का पत्र था। उसने कहा कि वो उससे अंतिम बार मिलना चाहता है, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि वह अपने मित्र से मिल ले क्योंकि उसके जहाज जो है वो पानी में डूब गए हैं समुद्र के, और अब जो शाइलॉक है वो अपने कर्जे के बदले उसका एक पाउंड फ्लैश उसकी बॉडी से लेना चाहता है। बेसिनो को ये सुनते ही बहुत ज़्यादा दुख होता है और जल्दी से शाइलॉक जो है उसको बचाने के लिए, अपने मित्र एंटोनी को बचाने के लिए वहाँ जाता है। और फिर अब आगे सीन होता है, नेक्स्ट सीन चलता है कोर्ट का, जहाँ पर पोर्शिया एक जो है वकील के उसमें रूप में आती है और उसकी जो मेड है वो, अब जो नेक्स्ट सीन है वो चलता है कोर्ट से, कोर्ट में जहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वहाँ आते हैं नवाब जो कि कोर्ट में फैसला के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और एक और कैरेक्टर होता है शाइलॉक जो बहुत शातिर था और जो क्या चाहता था, वो एंटोनियो का एक पाउंड फ्लैश चाहता था। तो ये जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर पोर्शिया एंटोनियो की डिफेंस लॉयर के रूप में ड्यूक के सामने प्रकट होती है और यहाँ पर पोर्शिया जो पूरा केस है उसको पलट देती है और उसकी जो मेड है वो उसकी क्लर्क के रूप में वहाँ पर आती है मैरिसा। और फिर जब वो कहती है कि आप जो है इसका 1 pound ऑफ फ्लैश जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एंटोनियो के शरीर से एक भी बूंद खून का नहीं टपकना चाहिए, एक भी बूंद उसका नहीं निकलना चाहिए। तो इससे जो है जो शाइलॉक है वो थोड़ा घबरा जाता है और पोर्शिया वहाँ पे ये प्रूफ भी कर देती है कि शाइलॉक जो है वो एंटोनियो को मारना चाहता है, वो उससे बदला लेना चाहता है। अब शाइलॉक जो है घबरा के एंटोनियो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसको 1 pound फ्लैश नहीं चाहिए, बल्कि वो अपना जो है पैसा उसको जो उसका पैसा है वापस कर दे। लेकिन एंटोनियो जो है वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, वो कहता है ठीक है मैं आपको 3 condition पर वापस करूँगा। वो उसके सामने 3 conditions रखता है, शाइलॉक से कहा कि वो उसको माफ़ कर देगा अगर वो उसकी 3 शर्तों को मानता है। पहली शर्त उसने शाइलॉक के सामने रखी कि वो अपनी बेटी जेसिका को वापस बुला ले और अपनी आज संपत्ति अपनी बेटी को दे दे और उसकी शादी लोरेंजो से करा दे जिसके कारण वो घर से भागी थी। और दूसरी उसने शर्त ये रखी कि अपना धन जो है थोड़ा आधा जो संपत्ति है वो ट्रस्ट में दे दे, उसको दान कर दे। और तीसरी शर्त एंटोनियो ने शाइलॉक के लिए रखी कि वो यहूदी धर्म को छोड़कर जो ईसाई जो धर्म है उसको अपना ले। तो शाइलॉक ने बेचारे ने जो उस समय विपत्ति में फंसा हुआ था तो उसने सब कुछ उसकी शर्तों को मान लिया और यहाँ पर जो उसका ये केस है वो ख़त्म हुआ। अब जो कहानी है वो आगे बढ़ती है इस प्ले की, उसमें ये जो कहानी है बेलमोंट नगर में फिर से जो है दर्शाई जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग जो है वहाँ पर प्रसन्नता से जो एंटोनियो है उसके विजय का जश्न मना रहे थे। परंतु यहाँ पर अभी भी जो एंटोनियो है वो खुश नहीं था क्योंकि उसे ये पता था कि मेरे सारे जहाज जो है वहाँ पर समुद्र में डूब गए हैं। परंतु उसके पास एक जो उसके जो दूत हैं उनके द्वारा एक पत्र मिलता है कि आपके जो जहाज हैं वो डूबे नहीं हैं, उनमें से कुछ जहाज जो हैं बच गए हैं और वो सुरक्षित हैं। तो एंटोनियो भी खुश होता है और यहाँ पर ग्रेटियानो, पोर्शिया, मैरिसा, लोरेंसो, जेसिका ये सब बेहद खुश थे। और जब एंटोनियो को भी लेटर मिला तो वो भी बहुत खुश था। तो जो ये पार्ट है ये कॉमेडी प्ले है, यहाँ पे ट्रेजिडी नहीं दिखाए गए हैं और ये जो प्ले है हैप्पीली एंड हो जाता है।